मैं इस घर की रसोई में जाने लिए किसी की इजाजत लेनी पैनी है। इतने सारे इजाजत लेके बढ़ते रसोई में। मैं तेन जो पूछा ना वह जवाब दे। वड्डिया वड्डिया गल्लां ना कर। किनू पूछ के बड़ी सी मेहरा हाउस की रसोई च? गल इदा है भुआ जी कि मैं तो रसोई में किसी पूछ के नहीं गई, क्योंकि विआह तो बाद कुड़ी का सहुरा घर ही अपना घर होंगे, तो उस हिसाब नाल ये घर हुण मेरा। तो अपने घर में रसोई च जाने लई मैं किसी की इजाजत की लोड़ नहीं है भुआ जी। सगों पूछना तो तुहानू चाहिए भुआ जी, क्योंकि इस घर की नूं तो मैं हाँ, ते तुसी इस घर की धी हो। अजे दो दिन नहीं होए तेनू मेहरा हाउस चाई नू, ते तेरा हक मेरे नालों ज्यादा हो गया मेहरा हाउस च। किसी भी सियाने बंदे नू पुछ के देख लो, जे मैं गलत हाँ तो मैं तुहाडे तों आप ही माफी मांग लांगी। गल तो यही बनती है भुआ जी, जे तुहाडा दिल नहीं करता रसोई च जाण नू तो ना जाओ, पर मेरा जदों जी करेगा मैं रसोई च जावांगी ते बाहर आवांगी। आ वेख्या छोटी भाभी प्रधान बनी फिर दिया गीत। इत रुक जा गीत, तेरी गल भावे ठीक हो पर दो दिन दे विच मेरा हाउस विच कुछ बदलन नहीं वाला तेरे आने नाले। तू कली नहीं रहती इस घर विच, ते जे अज तो बाद तू इस रसोई दे विच पैर भी पाया ना तो रसोई का बंटवारा आएगा, दो हिस्सों में वंडी जाएगी रसोई। बिल्कुल सही क्या छोटी भाभी जी, बिल्कुल इदा ही होएगा। बंटवारा? पर बंटवारा करेगा कौन चाची जी? मैं करांगी बंटवारा। जे तू अज तो बाद रसोई के पैर भी पाया ना तो मेरा हाउस की रसोई तेरी रसोई नालों वक्री होएगी। तो जे तेनू यह लगता है ना कि तू मेरा हाउस की पटराणी बन गई है तो सारे तेरे हिसाब न चलेंगे, ये तेरा बहुत बड़ा भुलेखा है। पटराणी तो दादी माँ ने इस घर की, मैं तो इस घर की नूह बनी हूँ। हले बड़ी दादी की पोती बनी फिरती है ना, तो तेन यह नहीं पता लगता कि कमोदी की तरह किन्ने वड्डे ने? दादी सास की इज्जत करने का तेन बड़ा पता है, तो भूआ सास नूं जिदा मर्जी पुट्ठा सीधा बोली जावे। हुण तू मेरा हाउस की रसोई के पैर पा के तो दिखाई मैनू, फिर मैं तेन अपनी रसोई वक्री करके दिखाऊंगी, तो कमो दीदी भी अपनी रसोई वक्री कर लेंगे। इदा तो फिर हर कमरे च अपना अपना चुल्हा बलन लग पेगा चाची जी। हाँ बलेगा, मेरा हाउस के जिन्हें भी कमरे ने हर कमरे के वक्रा चुल्हा बलेगा, तो मेरा परिवार के इस बंटवारे की जिम्मेदार तू होएगी गीत, सिर्फ तू। तो मेरा परिवार तेरा ढोल नहीं है जिन्हों तू अपनी मर्जी के नाल सारे परिवार को ठोक बजा के चली जाएगी। चल तुर दी बाने थो। जी सुनो मेरी गल, मेरी गल ध्यान नाल सुनो सारे। एदां दी कड़ी गल दसन लगे सारयां नूं? कमो जद मैं गल सुनाऊंगा ना सच्ची नजारा आ जाऊगा। अच्छा एदां दी कड़ी गल है? लै सुन फिर, अपने घर का नवा रिश्तेदार सुरजीत ढोली, वह चेन लेके आया। चेन माड़ी मोटी चेन नहीं, सोने की चेन नाल मुंदरी ते कड़ी। चेन मुंदरी ते कड़ी, पर कादे वास्ते पाई सा? ओहो छोटे भाभी जी तुहानू पता नहीं लगता हैगा, अगले ने कुड़ी भी आई है मेरा हाउस दे विच, ते सौगाता तां आण गई आ। चेन कड़ी मुंदरी गीत टोली दा दाज। बस करो प्रशांत जी, इदा ना हसाओ। चलो जो मर्जी है, उन्हें अपने वालों कोई कसर तो नहीं ना छड़ी। अगले ने दाज दे ही दिता वड्डे भाई साहब नूं, हुण तुसी सोचो तुसी कित्थे जाओगे? वड्डे भाई साहब ने तो पूरी वो हक च गल करनी है सुजी ढोली दे, अगले ने दाज जो दे दिता उन्होंने। हाँ जी भुआ जी, दिता मेरे पापा जी ने दाज, पर मर्जी नाल नहीं दिता दाज, मेरे सहुरे परिवार ने मंगिया सी ता ही दिता दाज। तू चुप कर गीत, मेरा परिवार
दाज मंगेगा, वो भी सुरजीत टोली को। हाँ जी, मंगया सी मेहरा परिवार ने दाज, मेरी सकी ननान ने, तान्या ने आप फोन करके मेरे पापा जी तो दाज मंगया सी, ताइयों मेरे पापा जी सब कुछ लेके आए ने थे। तान्या ने दाज मंगया सुरजीत टोली को? हाँ जी पुआ जी, मंगया मेहरा परिवार दी धी ने दाज। फिर असी की कर सकते सी, जे मुंडे वाले इन्ने अमीर होके दिल दे इन्ने गरीब होन, फिर असी की कर सकते सी, सानू तो देना ही पैना सी ना दाज। अगले मूहों अड के दाज मंग लें, फिर सानू गरीबां नू तो देना ही पैना सी ना दाज, फिर भावें औखे क्यों ना होंदे। की मतलब है तेरा, असी हाथ अड के दाज मंगया तेरे मापिया को? तुहाडे कोल है ही की देण नू, इक पुराना जिहा घर जिहदियां कंधां पता नहीं कदों डिग जाण। तेरे वर्गियां कुड़ियां ना मेहरा हाउस च आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, समझी? नहीं पुआ जी, पर गीत इस घर दे विच बाहर जान लई नहीं आई पुआ जी, ते ना ही मेरी गीत दा तुसी किसे आम कुड़ी दे नाल मुकाबला कर सकते, ते तुसी मेरी वाइफ दे नाल ऐदा गल भी नहीं कर सकते। मल्हार तू बच्चा हले, तेनू दुनियादारी बारे कुछ नहीं पता, मेरी गल सुन। नहीं फुफड़ जी, हुण मैं तुहाडी कोई गल नहीं सुननी, नाले जिन्ना मैनू दुनियादारी दा पता होना चाहिए ना उन्ना मैनू पता, ते मैनू किसे दे सलाह दी कोई लोड़ नहीं है। ते वैसे भी जिहड़े दाज दी गल्लां करके तुसी सारे हस रहे सी ना, वह सारी चीज़ां तां मैनू पसंद ही बहुत आईयां ने। आ देखो, मैं वह सारी चीज़ां पाईयां होईयां, तो सारी चीज़ां मेरे वास्ते आईयां सी ना, ते इहदे विच किसे होर नू कोई इतराज किवें हो सकदा? तू ए गोल्ड चेन ते रिंग पा भी ले मल्हार? नहीं चाची जी, खाली खाली गोल्ड चेन नहीं, या कोई रिंग ही नहीं, आ देखो कड़ी भी पाई आ, तुहानू भावें गिफ्ट पसंद आए होन या ना आए हो, मैनू तो बहुत आए हैं, क्योंकि यह गिफ्ट मेरे सौरा साहब मेरे पापा जी लेके आए अपने जवाई वास्ते। फिर उन्होंने भी पता होना चाहिए सीगा कि हुण दा जवाई किसी आम घर का मुंडा नहीं है, मेरा परिवार का मुंडा है। जे कुछ लैके आना सी तो उसी हिसाब नाल लैके आना सीगा। वो कड़ा चीज़ा आप लैके आए ने फुफड़ जी? हाँ, जिन्हें सारिया चीज़ा मंगाइया ना उन्हूं जरूर पता होना चाहिए से कि जो कुछ मंगा रहे वो मेरा हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब नाल मंगांदा। एंड फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन, सारी चीज़ा तान्या ने मंगाई। यस, गीत बिल्कुल सही कह रही है, ये सारी चीज़ा मंगाने वास्ते तान्या नहीं उसके पेरेंट्स नू मजबूर किया। पर तान्या ने क्यों मंगया? वो तो एक मजाक होएगा ना, वरना उन्हें की लोड़ पई है ये सब मांग के मेरा परिवार दी हेठी कराउण दी? लोड़ कोई नहीं सी चाची जी, ए तो बस एक चाल सी जिहदे विच तान्या उन्हां नू फसाउणा चाहुंदी सी, ते वो बेचारे भी सीधे साधे उहदी गल्लां दे विच आ गए। पर सारा कुछ तुहाडी मर्जी दे नाल ही ना चलदा चाची जी, वो कहिंदे ने ना कि मारन वाले नालों बचाउण वाला ज़्यादा वड्डा हुंदा, ते उन्हां नू भी उस उपर वाले ने बचा लिया। ठीक है फिर, कुछ होया तो नहीं ना सुरजीत टोली ते उहदे परिवार नू, ठीक है ना? ते तू कड़ी गल्लां औखा है फिर? नहीं नहीं भूआ जी, मैं हुणे ते किसे गल तो औखा नहीं हो रहा, पर एक गल मेरी ध्यान नाल जरूर सुन लो भूआ जी। ते हाँ चाची जी, ते फुफड़ जी, तुसी भी जरूर सुन लो, जे इस घर दे विच मेरी वाइफ मेरी गीत नू किसी ने बेइज्जती करन दी कोशिश की ना उहदी, या उहनूं नीवा दिखाउण दी कोशिश की, फिर मैं जरूर औखा होवांगा। पर इहदा मतलब इह नहीं कि गीत रसोई दे विच? ओह बिल्कुल जाएगी रसोई विच, ते उन्हें कोई रोकेगा भी नहीं, वो दा मन जिथे करता है वो जरूर जाएगी। वो इस घर की नूह है, तो रसोई दे विच कुकिंग भी करेगी जिदा इस घर दियां बाकी नूहां अज तक करती हैं। पर मल्हार, बस चाची जी, मैं थोड़ी होर कोई गल नहीं सुनना चाहता इस मसले ते। उदा मल्हार, गल तो तेरी वैसे सही है, तू जो कहता सो कहता, मैनू तेरी गल तो इतराज नहीं है,
आखिर तू इस घर का मालिक जो ठहरिया ना, वड्डा पुत्तर है तू इस घर का, जो तू वैसे भी कहता सानू तो मनना ही पैना है ना। पर ना एक छोटी जी गल है, जे तू सुने तो। हाँ जी भुआ जी, तुसी भी कहो की कहना चाहते हो। हुण तू गीत नू ते हक देता रसोई चाउण जाण दा है ना, ते रसोई भी इहदे ना ही कर दे, पर साडे विचों ना कोई भी उस रसोई च नहीं जाएगा। तुहाडे विचों कोई रसोई च नहीं वड़ेगा, पर क्यों भुआ जी? तुहाडे दोनों तो अलावा इस घर च होर भी लोग रहिंदे ने ना मल्हार, ते जरूरी ते नहीं कि इस आपे बनी नवी जोड़ी दियां सारियां गल्लां इस घर दे लोकां नू पसंद आउण। चलो छोटी भाभी चलिए, असी रुको भुआ जी कितने जा रहे हो तुसी? हुण असी तां घर विच कोई जगह लभनी है ना जिथे साडा रसोई दा काम हो सके। हुण रसोई तेरे हिस्से जो आ गई है। केड़े हिस्से दी गल करदे पे चाची जी? मैं तां कदे इस घर नू वंडण दी सोच ही नहीं सकदी, ना ही इस घर दी रसोई नू वंडण दी सोच सकदी। मैं तां इह चाहुंदी हां कि इस घर विच इक्को ही रसोई होवे ते सारा परिवार कट्ठा रहे। इस घर विच तां वैसे भी लोग एक छत थल्ले टाइम ही कटदे ने, उहनां दे दिल विच तां बहुत दूरियां ने, एक दूजे दी तां परवाह है ही नहीं किसी नू। हर जना बस मूँह ते मिठा बांधदा ते पिठ पिछे मिट्टी पलीत करदा रहिंदा, कोई किसी नू चंगा ही नहीं समझदा। फिर मैं होर वंडियां क्यों पानियां इस घर विच? मैं तां सगों सारे नू इकट्ठा करना चाहुंदी हां। तैनू बहुत जल्दी नहीं पता लग गया साडे घर बारे? तुहाडा घर हुण मेरा भी घर है चाची जी, ते मैं अपनी घर दी रसोई दा बंटवारा कदे नहीं होण देवांगी। मैं सारे मेहरा परिवार दे दिलां विचों दूरियां खत्म कर देवांगी। इस वड्डे सारे मकान नू मैं घर बनावांगी। सारे घर वाले एक दूजे नाल मोह प्यार नाल रहणगे, कोई किसी दी पिठ पिछे कौड़ा बोल नहीं बोलेगा, ते सारे एक दूजे उत्ते उदा ही जान छिड़कन जिदा एक घर दे जी छिड़कदे ने। मैं तुहाडे सारिआं नाल वादा करदी हाँ, इस परिवार की नूह गीत का वादा है तुहाडे सारिआं नाल। चलो मल्हार साहब जी चलिए। चलिए ले जा, इन्हें तो तोरी पैना तेरे पिछे, यदि वोटी जो ही तू जा मल्हार जा जा, ये पिछे ही लगे नहीं बस, यदि शकल वेंदा रही बह के नवी वोटी दी, पता नहीं इस कुड़ी ने की जादू किया मल्हार उत्ते अपनी खूबसूरती का, इस मुंडे नू ते अपना माँ प्यो अपना भैन भरा चेत ही नहीं। तुहानू तां हमेशा चेते रहिंदा ना भुआ जी, इहो जिहियां गल्लां करना यही आस सी मैनू तुहाडे कोल। उहने गीत मेरे नाल यही गल कर रही सी, किसी से जान मगरों उहदी पिठ पिछे उहदी बुराई करना यही शौक है ना तुहाडा, पर तुहाडा इह शौक हुण इस घर दे विच कदे पूरा नहीं होवेगा। किते इह ना होवे कि गीत एक नवा रूल बना देवे कि मेरा उसकी कुड़ियां अपने पेके घर कट ते अपने सहुरे घर जाके रहन। फिर सोच लो भुआ जी की होवेगा तुहाडा। बस माड़ी जी सेहत खराब हो गई सी मेरी, हुण तां ठीक हाँ, नहीं नहीं इन्नी छेती नहीं मरन लगी मैं। मैं तां अपने पड़पोते दा मूँह देख के ही जावांगी इस दुनिया चों, इन्नी छेती उपर वाला भी नहीं चुकन लगा मैनू, नहीं तां उहने मैनू इन्नी सोहणी पोत नूं ही कहनूं देनी सी। हुण मैं इन्हां गल्लां विच नहीं पैंदी कि उह इक ढोली दी कुड़ी है जां किसे अमीर घर दी कुड़ी, रब ने तो मेरा सोना ही मेरी झोली विच पा दिता है, नहीं तो इदा दियां नूहां कित्थे लभदियां ने अजकल। तुसी तो यह समझो कि माता राणी ने तो अपना अंश ही भेज दिता है मेरे घर विच। अज तक नूह दियां सिफतां कर करके किला उसार देना शकुंतला मेहरा ने, किन्ना फोन ते गल हो रही है? मैं तेनू पुछ के गल करनी है, जिदे नाल मर्जी करा। तू मेरा फोन क्यों खोया है? मैं खोना सी ते खो लिया, जो मैं पूछा उहदा जवाब दिओ। कितना गल कर रही सी तुसी फोन ते? पम्मी दी मां है, होर मैनू प्रधानमंत्री दा फोन आना,
प्रधानमंत्री का भी फोन आता तो उन्होंने कहता लगना सी कि मैं कड़ा प्रधानमंत्री हाँ। मेरे तो ज़्यादा सिफत है इतने गी ढोली की होंगी पई है, बहुत सिफतों के फुल बनते पे हो ना तुम ये तो मैं दसदा मैं हाउस का असल प्रधानमंत्री कौन है। हैलो ओ नहीं जी नहीं बधाई कहदियाँ यहोजी निकमी नौ दिया कह बधाई ये कुछ तो साढ़े न किसी पास भी मेल नहीं खाती है। मेरा हाउस के उसू अज तक किसी ने अपनी नौ ही नहीं मनिया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल थानू तो पम्मी ने जो कुछ भी दसिया बिल्कुल सही दसिया थोनों तो बिल्कुल सही खबर मिली है। ओ जनाब ना तो उन्होंने खाण पीन का पता है ना बैठन उठन का ना बोलन का पता है होर दसो। हाँ जी हाँ जी कोई गल फिर गल करते हाँ जी ठीक है जी नमस्कार। हाँ जी शकुंतला मेहरा जी हूँ पता लगेगा पम्मी की माँ कितनी इज्जत है थोड़ी चहेती की इस घर में की पता लग्या हो की नहीं लोग बड़े सियाने ने जेके कन्नी सुनी गल ते भी ये सोच के यकीन करते ने कि गल करदा कौन पे आए। हुण तुसीं ये कहना चाहते हो सारे लोग मैनूं झूठा समझते ने पर मैं इदां कदों कहा है पर जेड़ा अपनी नूं दी अपने रिश्तेदारां कोल इदां मिट्टी पुटदा फिरे उन्हूं लोग ज़्यादा सियाणा भी तां नहीं कहिंदे। ते फिर उन्हां लोकां नूं जाके ये भी पुछ लो कि तुहाडी इस गीत नूं इस मेहरा हाउस में कोई नूं समझदा भी है या नहीं या फिर शकुंतला मेहरा ही उसनूं अपनी नूं बनाई फिरदे ने। नूं तां हुण उह बण ही गई है लोकी समझण जां ना समझण उहदे नाल की फर्क पैंदा है। उह कहिंदे ने ना जे मियाँ बीबी राजी तां की करूगा काजी। ते फिर तुसीं भी इही समझ लो इस बार मियाँ बीबी का मुकाबला काजी नाल नहीं जेके मेहरा नाल हो रहा है। इस कुड़ी नूं तां अज नहीं तां कल इसनूं मेहरा हाउस विच्चों तां मैं बाहर कढ ही देवांगा। इदां किदां कढ देंगा तूं मल्हार उहनूं व्याह के लियाया है माता राणी दे सामने उन्हें उदी मांग च संदूर पाया है। ओ मैनू पता है मल्हार दा दिमाग भी तुहाडे तरह मोटा हो गया है पर उन्हें यह समझना चाहिए है यह कुड़ी उहदे काबिल नहीं है। मल्हार मल्हार मेहरा है जेके मेहरा दा पुत्र ते जदों लोग मल्हार दा नाम लैंदे आ ना ते उहनां दा ख्याल जेके मेहरा दे रुतबे ते जमीन जायदाद ते पैसे वल भी जांदा है। ओह बाहरों पढ़ के आया है हूँ इतने आके अपनी जिंदगी ढोली की कुड़ी कटेगा नहीं बिल्कुल नहीं वह कुड़ी वो काबिल हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो विआह हो गया है गृह प्रवेश हो गया गीत का तो सुहागरात वो दोनों कट्ठे से इको छत दे थले वह कट्ठे से क्योंकि तुसी साथ दिता से उन्होंने मेरा परिवार भी कोई भी गीत इस घर में नहीं देखना चाहता पर तुहाडा तो सारा जोर लग्या होया सी ना उसनू मेहरा हाउस में रखने लई तुसीं तां उहनूं बचाउण दे चक्कर में नाच घर तक भी पहुँच गए तो उत्थे जाके तुहानूं ढोल बजाउंदा कोई शर्म तो नहीं आई ना। नहीं आई मैनू शर्म शर्म भी क्यों आऊगी मैं कहड़ा कोई गलती कीती है मैं तो उत्थे जाके ढोल बजा के पश्चाताप ही किया है। तुहाडियां गलतियां किसी पश्चाताप नाल माफ नहीं हो सकदियां शकुंतला मेहरा जी। मैं अपनी किसी गलती वास्ते शर्मिंदा होवां तां पश्चाताप करां ना मैनू तां जदों भी दिसदियां ने तेरे पापा दियां कीतियां गलतियां दिसदियां ने नाच घर विच ढोल बजा के भी मैं उन्हां दियां गलतियां दा ही पश्चाताप कीता है। शकुंतला मेहरा अपनी जुबान नूं लगाम दिओ। क्यों ना बोलां मैं कहड़ा झूठ बोलदी हां मैं तां एक दिन रेडियो स्टेशन विच जाके तबला ही बजाया सी ना इदां दी किहड़ी जगों तेरवीं कर दित्ती सी मैं जिहड़ा उन्होंने सारी उम्र मैनूं अपने मत्थे नहीं लाया ते तू भी हुण उसी राह ते तुर पिया है की कसूर है गीत दा यही ना कि एक ढोली दी कुड़ी है ते ढोल वजाउंदी है। ये कड़ा छोटी गलती है शकुंतला मेहरा जी एक ढोली दी कुड़ी मेहरा हाउस की नौ बनन दा सुपना देखे ते ओह भी गलत है ओह तां मल्हार ते डोरे पा के इस घर विच नौ बन के आ गई है। बस तेरी यही सोच तेरी इस उल्ट सोच का ही पश्चाताप करन गई सी मैं नाच घर विच तू तो बड़िया स्कीमां बनाईया सी ना मैं भी तेरी माँ तैनू की लगता है कि तू ही स्कीम बना सकता है सिर्फ तैनू अपने टिड्डो ही नहीं जमया इहदा मतलब ये नहीं कि तू मेरा पुत्र नहीं। मैं तुहानू पहला भी कई बार कहा है मेरी माँ होने का भरम अपने मन च पालना बंद कर दियो
पर शायद तुहाडे खाने गल नहीं पै रही। मैं तुहाडा मतरिया पुत्र हाँ, मतरिया सगा नहीं हाँ। तुसी भी तो कहन अपना पुत कहते हो ना मैनू, तो हर बार मेरे राह रोड़े अटका के साबित कर चुके हो कि मतरे कदे सके नहीं हो सकते।